સંઘ પ્રદેશ દાત્રનગર હવેલીમાં કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થતા વહીવટીતંત્ર દ્વારા દર્દીઓને સારવાર આપવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। સંઘ પ્રદેશ હેલ્થ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર વી કે દાસે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સલવાસ તેમજ દમણ અને દીવમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોરોનાના દર્દીઓને સારવાર આપવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા હોવાનું જણાવ્યું હતું। મેં ડોક્ટર વી કે દાસ, ડાયરેક્ટર હેલ્થ સર્વિસિસ દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવ, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुआ है। दादरा नगर हवेली में भी सिलवासा, आमली, मसाढ़, सामरवाणी, दादरा, रखोली एरियाज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। कुछ नरौली में भी हैं और कुछ आंबोली में भी हैं। तो मैं लोगों को यही सावधान रहने बोलूँगा कि सब लोग अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करें और अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ट्रैवल नहीं करें, अपने घरों में रहें। दूसरी बात, वैक्सीनेशन अबव 45 इयर्स का वैक्सीनेशन हम हर हेल्थ सेंटर्स में दे रहे हैं, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं। आप लोग आगे आएँ और लगाएँ। जहाँ तक तीनों डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, दादरा नगर हवेली में अभी तक 47% लोगों ने ही लिया है जबकि इंटीरियर्स में किसी ने भी नहीं लिया है, बहुत कम लोगों ने लिया है। दमन और दीव में काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में लोगों ने लिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग बचे हैं वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में जैसे जुड़ें और टीका लगाएं और अपने आप को इस बीमारी से बचा लें। इस बीमारी में लंग का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और लंग डैमेज होने से पूरा यानी आदमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो परमानेंट होता है। और दूसरा है कि ये जल्दी रिकवर भी नहीं होता और फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो डेथ भी हो जाती है। जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटी के सवाल है, हमारे पास 109 बेड्स हैं विनोबा सिविल हॉस्पिटल में जो सीरियस पेशेंट्स को देखते हैं। 157 बेड्स एडिशनल है जो टायर 2 जिनको थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए हमने 157 रखा है। खानवेल में 50 बेड्स रखा हुआ है और एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने वाले हैं सैटरडे तक जिसमें 200 बेड्स। तो फिलहाल हमारे पास करीब 450 बेड के ऊपर की व्यवस्था सिलवासा में है। वैसे दमन में भी हमने टायर 1, टायर 2, टायर 3 की व्यवस्था की है। मरवड़ हॉस्पिटल में हमने टायर 3 की फैसिलिटी की है। दीव में भी हमारा दीव हॉस्पिटल है और दूसरी जगह जहाँ पर हमने टायर 1, टायर 2, टायर 3 की व्यवस्था की है। तो हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है और हम बेड्स धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम ने पूरा प्रोविज़न किया बेड्स का। ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास टैंक फिलिंग, हमारे जो सिलेंडर्स हैं और हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है वो इंस्टॉल हो गया है और सिलेंडर्स भरने के लिए रेगुलर हम लोग 24/7 उस पर निगरानी रख रहे हैं। हमारे सिलेंडर्स वापी और दमन से भर के आते हैं और वो अभी भर के आते हैं और रूटीन हमारे पास करीब 682 सिलेंडर्स हैं और 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स भी हैं सिलवासा में। खानवेल में अनदर 50 सिलेंडर्स हैं, दमन में मरवड़ में भी हैं और दीव में भी इनफ सिलेंडर्स हैं। और जहाँ तक इंजेक्शन रेमडेसिविर का सवाल है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में दमन, दीव और DNH के तीनों हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर अवेलेबल है। जो जिस पेशेंट्स को लगना चाहिए उनको इंडिकेशन के हिसाब से हमारे फिजिशियंस और ट्रीटिंग डॉक्टर रेमडेसिविर दे रहे हैं।